अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूँ शुएब और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम 3 महीने की बच्चे का सूट कटिंग करेंगे। नहायत ही ज़बरदस्त तरीका है और मुनफरिद तरीके से मैं आप लोगों को कटिंग सिखाऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आज की जो हमारी मेजरमेंट है वो है 13 इंच हमारी लंबाई है, तीरा जो है वो हमारा 6.5 इंच है, आस्तीन भी 6.5 इंच है और लूजिंग हमने रखनी है 10 इंच। तो इस हिसाब से हमने कटिंग करनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, 6.5 इंच तीरा है हमारा, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 6.5 इंच का हाफ आता है हमारा 3.25 इंच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद हमने यहाँ से इंच की डाउनिंग रखनी है। ये इंच की हमारी डाउनिंग आ गई और 6.5 के बजाय हमने 7 इंच पे निशान लगा दिया। अब उसके बाद हमने इसको यहाँ पे स्ट्रेट कर लेना है। ये स्ट्रेट करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। ये हमने दोनों पल्ले ही काट लिए, ये आप लोगों को अंदाज़ा हो, ये हमारे दोनों पल्ले हैं, सही है। इसको कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम आगे चलते हैं और मैं आपको इसका जो है ना एग्जैक्ट तरीका बताता हूँ कि अब हमने करना क्या है। यहाँ से हमने कमीज़ को तकरीबन इंच तक, इंच यहाँ पे हो गया, इंच यहाँ पे हो गया, ये हमारा आ गया नीचे की तरफ कमीज़। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 6.25 इंच पे निशान लगा देंगे। अब दोबारा हमारी जो 6.25 इंच पे कटिंग होगी, ये हमने 6.25 इंच पे निशान लगा दिया और हाल ही में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.25 इंच और यहाँ से हमने 1.25 इंच का निशान लगा देना है। ये दो निशान लगने के बाद अब हम क्या कर देंगे, हम हाले की कटिंग करेंगे। ये आप देख सकते हो, ये हमारे हाले की कटिंग हो गई। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, कमीज को यूं पलटा देना है, ये आप देख सकते हो इस तरीके पर। यहाँ से पलटाने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसको हल्का सा इस्त्री अप्लाई कर देंगे। इस्त्री अप्लाई करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक कट लगा देना है, इस तरीके पर हमने यहाँ पे कट लगा दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से हमने 7.5 इंच पे निशान लगा देना है, इस तरीके पर। ये हमारा आ गया 7.5 इंच, ओ सॉरी 7 इंच का निशान, क्योंकि ये आड़ा होता है तो इसमें हमने 0.5 इंच के बजाय 2 सूत्र ही गेप देना होता है। और यहाँ पे हम 4 इंच पे निशान लगा देंगे। 4 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से हमारा जो तीरे का हाफ था वो हमने निशान लगा दिया। अब लूजिंग हमारी 10 इंच है तो यहाँ से हमने 11 इंच पे निशान लगा दिया और इसको हम यहाँ से स्ट्रेट कर देंगे। ये कटिंग करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से आप निशान लगा लो, कोई मसला नहीं है, ना भी लगाओ तो भी कोई मसला नहीं। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। कटिंग किस तरीके पर, थोड़ा सा आपने इसको शेप देना, ये आपका शेप आ गया और ये आपकी कटिंग हो गई। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपने यहाँ पे गोलाई दी थी, यहाँ पे इसकी आपने कटिंग कर देनी है। इस तरीके पर ये यहाँ की कटिंग हो गई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका इस तरीके पर ज़बरदस्त आ गया। अब यहाँ से आपने इसको 2 सूत्र काट देना है या नहीं काटना, वो भी आपकी मर्जी है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है तो उसको ऐसे कपड़े कटिंग करके देने हैं ताकि वो उसमें गर्मी ना लगे, उसको उसको पतंग ना करे, क्योंकि छोटा बच्चा है। तो इस वजह से अगर आपने ये नहीं कटिंग करना तो भी आप इसको छोड़ देना, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ये कटिंग होने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, यहाँ से अब हमने इसका अरमोल माप लेना है। ये आप देख सकते हो यहाँ से ये यहाँ तक हमारा 0.25 इंच आ रहा है। अब हमने क्या करना है, लूजिंग का निशान लगाना है। तो लूजिंग यहाँ से हमने लेंथ का जो है हमारा 13 इंच है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 14 इंच पे निशान लगा देंगे।
ये आप 14.5 पे कर देना, 14.25 पे कर देना, और यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर दी। ये कटिंग होने के बाद अब आपने क्या करना है, चाक का निशान लगाना है। तो 10 है, यहाँ पे हम 5 इंच पे निशान लगा देंगे, और यहाँ पे हमने 5 रखा था तो यहाँ से भी हम 5 रख के इसकी सीधी कटिंग कर ली। ये आप देख सकते हो, निहायत ही आसान कटिंग है। इंशाल्लाह आप गौर से देखोगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। यहाँ पे हमने कटिंग कर ली। अब यहाँ पे सिर्फ हमारा चाक ही लगता है, तो यहाँ से हमने सिर्फ चाक का निशान बना देना है और बाकी इसको इस तरीके पर छोड़ देना है। अब हमारी बारी आती है आस्तीन की। आस्तीन जैसे नॉर्मल आस्तीन कटिंग होती है, लेकिन इसमें सिर्फ एक फ़र्क हमने करना है, वो भी आप लोगों के लिए ऑप्शनल होगा। अगर आप लोग करना चाहो तो कर लो, ना हो तो उसकी कटिंग कर देना, कोई मसला नहीं। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से हमने 2.5 इंच का निशान लगा लेना है, और यहाँ से हमने 1.25 इंच का लगाया था। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ से हमारा 1.25 और आ रहा है, और यहाँ से तकरीबन 5 इंच तक आ रहा है। ये आप देख सकते हो, हमने निशान यहाँ से लिया है, यहाँ से कटिंग होगी। अब यहाँ से इसको हमने क्या कर देना है, इस तरीके पर यहाँ पे हमने शेप दे देना है, और उसके बाद हमारी जो बाजू है वो है 6.5, तो हमने क्या करना है, 7 इंच पे निशान लगा देना है। 7 इंच पे ये निशान आया, और यहाँ से हम इसको 6 इंच पे रख लेंगे। 6 इंच पे रखने के बाद यहाँ से हमने यहाँ तक कटिंग करनी है, और उसके बाद हमने इसको यहाँ पे स्ट्रेट कर देना है। ये होने के बाद यहाँ तक हमारा बाजू तैयार होगा, ये हमारा बाजू आ गया। अब यहाँ से फ्रंट साइड में अगर आप शेप ना भी देना चाहो तो भी नहीं देना इसमें, क्योंकि बच्चे का सूट है, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सफाई से सूट बने और ज़बरदस्त तरीके पर आए, तो आप इसको शेप दे देना, वरना इसको मैं अक्सर शेप देता भी नहीं हूँ, क्योंकि बच्चा होता है तो वो उसको तंग नहीं होती, उससे उसको परेशानी नहीं होती। तो इस वजह से हमने क्या करना है, अगर आपने शेप ना भी दिया तो भी चल जाएगा। तो ये थी हमारी 3 महीनों की बच्चे की सूट की कटिंग। इंशाल्लाह आप लोगों को ये कटिंग आसानी से याद हो गया होगा कि ये कटिंग आपने कैसे करनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।